अब x के पावर में है ये और इनके पावर में ये है, तो यानी कि पावर के ऊपर पावर यानी पावर पावर का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा x के पावर 1 अपॉन ब्रैकेट में a माइनस बी और यहां ब्रैकेट में a माइनस सी हो जाएगा। फिर बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, ये फिर x के पावर 1 अपॉन ब्रैकेट में b माइनस सी और फिर ब्रैकेट में b माइनस a, फिर यहां मल्टीप्लाई, फिर x के पावर 1 अपॉन c माइनस a ब्रैकेट में c माइनस b और इक्वल में हमें बनाना है। अब यहां पर बेस सबका सेम हो गया, बीच में मल्टीप्लाई है यानी कि सब पावर को जोड़ दें, तो यहां पर ऊपर क्या बन जाएगा, x के पावर 1 अपॉन a माइनस b a माइनस c, अभी मल्टीप्लाई ना करो, प्लस 1 अपॉन b माइनस सी ब्रैकेट में b माइनस a, फिर प्लस 1 अपॉन c माइनस a ब्रैकेट में c माइनस b और इक्वल में हमें 1 लाना, यानी कि इसका मतलब कि ये सब जब सॉल्व होकर आएगा तो यानी कि पावर में सिर्फ 0 बचेगा, तभी तो x की पावर 0 की वैल्यू 1 होगी, तो यानी कि 0 लाना है। अब इसका सबका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने के लिए सबसे पहले तो इनका बेस कुछ ना कुछ मल्टीपल के फॉर्म में होना चाहिए, a माइनस बी, यहां b माइनस a दिया है, ये अलग हो गया, ऐसे नहीं काम चलेगा, a माइनस सी, यहां पर c माइनस a हो गया, ये नहीं काम चलेगा, यहां b माइनस सी, यहां c माइनस b हो गया, ये नहीं काम चलेगा। तो मतलब कि मिल तो रहा है थोड़ा सा मैच करता हुआ, लेकिन माइनस प्लस आगे पीछे है, तो पहले ये माइनस प्लस वाला सिस्टम जो है आगे पीछे इसको हटाओ, तो जहां a माइनस बी है पहले, तो दूसरा जो b माइनस ए हो गया इसको भी a माइनस बी बनाओ, जहां b माइनस सी है दूसरा c माइनस बी हो गया तो उसको भी b माइनस सी बनाओ, जहां a माइनस सी है अगर वहां c माइनस ए हो गया तो उसको भी a माइनस सी बनाओ। तो अब ये डाउट क्लियर हो जाए कि किसको क्या बनाना है, तो इसके लिए एक पैटर्न दिमाग में कर लो कि a माइनस बी बना दो, फिर b माइनस सी बना दो और फिर c माइनस ए बना दो। देखो एक सीक्वेंस में है ए बी सी में, पहले ए में बी, फिर बी में सी, फिर सी में ए, ऐसे बना दो सबको। तो यहां पर एक्स के पावर में लिखा ही रहेगा, एक्स को थोड़ा बड़ा ही लिखना कॉपी में, तो और ध्यान से पावर में है ये सब चल रहा है, तो ए माइनस बी बनाना है तो ये ए माइनस बी ही बना रहेगा, फिर ये ए माइनस सी है हमको बनाना है सी माइनस ए, तो यानी इससे माइनस साइन कॉमन बाहर लिया, तो जब माइनस साइन बाहर लेंगे तो माइनस वन ऊपर आ जाएगा और नीचे ये क्या बन जाएगा सी माइनस ए हो जाएगा। फिर बीच में प्लस है तो प्लस देख लो पहले अश्वनी, बाद में नोट कर लेना, अभी नहीं नोट करो। फिर हमको बी माइनस सी बनाना है तो बी माइनस सी ही है, तो यहां पर क्या हो जाएगा वन अपॉन ये बी माइनस सी और बी माइनस ए, कि हमको a माइनस बी बनाना है, a माइनस बी बनाना है तो इसको a माइनस बी बनाने के लिए माइनस साइन कॉमन लेंगे, तो माइनस साइन ऊपर चला जाएगा और ये क्या बन जाएगा a माइनस बी, फिर प्लस है तो प्लस, फिर c माइनस a, हाँ ठीक है c माइनस a बनाना है और इसको बनाना है b माइनस सी, तो फिर से माइनस साइन ऊपर चला जाएगा और नीचे हो जाएगा ये c माइनस a और b माइनस सी हो गया। अब नीचे a माइनस बी, a माइनस बी, b माइनस सी, b माइनस सी, c माइनस a, c माइनस a, यानी कि इनका एलसीएम, अब एलसीएम क्या आएगा वो देखना, तो x मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक अभी x नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्ट केवल ऊपर को सॉल्व करो क्योंकि x तो अलग है, तो यहां पर इन सब का एलसीएम कितना आ जाएगा बता सकते हो, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a, बिल्कुल सही, ये हो जाएगा इन सब का एलसीएम। अब एलसीएम लेने के लिए अगर नहीं आया हो तो फिर याद करो कि पहले बताया था कि ये दोनों हैं तो इन दोनों का फैक्टर तो यही दोनों होगा ना, इन ये हैं तो मल्टीप्लाई में तो इन दोनों का तो फैक्टर यही दोनों होगा, तो जो अगर ये फैक्टर के फॉर्म में होते थे तो इन तीनों में जो फैक्टर कॉमन होता था उसको लिख लेते थे और जो बचता था उसको भी लिख लेते थे, तो इन तीनों में तीन फैक्टर ही केवल कॉमन है, तो तीनों फैक्टर आ गए, जब तीनों फैक्टर आ गए तो कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, तो कुल मिला के इसका एलसीएम इतना है। अब यहां पर a माइनस बी, c माइनस a हो चुका है, a माइनस बी और c माइनस a हो चुका है, तो क्या बचेगा
बी माइनस सी, तो बी माइनस सी को ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा माइनस बी माइनस सी हो जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस, या तो एक काम करो, अच्छा ये एलसीएम ले रहे हैं हम, तो प्लस और माइनस का माइनस आ जाएगा यहां पर, है ना, प्लस माइनस का यहां माइनस कर देते हैं। यहां बी माइनस सी ए माइनस बी हो गया, बी माइनस सी ए माइनस बी हो गया, तो क्या बचा सी माइनस ए, तो सी माइनस ए बन जा सी माइनस ए। फिर प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, सी माइनस ए बी माइनस सी हो गया, सी माइनस ए बी माइनस सी हो गया, क्या बचा ए माइनस बी, तो ए माइनस बी बन जा ए माइनस बी। इक्वल में हमको वन लाना है, और ये सब किस में रहेगा, एक्स के पावर में, हो गया। अब उसका पूरा पावर खोल दें, तो यहां पर ये क्या बनेगा साइन, माइनस बी प्लस सी माइनस सी प्लस ए माइनस ए प्लस बी, और अपॉन में ये सब मल्टीप्लाई में ऐसे ही रहेंगे, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, और ये सब x के पावर में है, इसको ब्रैकेट में बंद किया रहो तो ज्यादा अच्छा है। माइनस बी प्लस बी और प्लस सी माइनस सी प्लस ए माइनस ए, सब कट गया, तो यानी ऊपर क्या बचा जीरो, क्योंकि प्लस माइनस होने के बाद जीरो आया, तो ऊपर जीरो बचा, जीरो को किसी से भी डिवाइड करो तो जीरो ही आएगा, तो यानी कि यहां पर इसका क्या आ जाएगा x के पावर जीरो, और x के पावर जीरो का मतलब वन, हेंस प्रूव्ड।